इनका इंतजार कर रहे थे माननीय अनिल बोध साहब, जो सीओ साहब है, बिहार से चलकर आए हैं। और कहा गया था कि माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं होते तो बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जाते, तो आज वही कोरम यहाँ पूरा कर रहे हैं। सीओ साहब ये पिछड़े समाज से आए, तो हम आज सीओ साहब को पाकर हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप बिहार से चलकर आए माननीय सीओ साहब। चलिए आप सभी जो भी पीछे हो एक बार मेरी ओर आए और आपका बहुमूल्य समय मैं बहुत कम और चंद मिनटों का लेना चाहता हूँ। ओहो भाग्य मेरा, आप सबों ने याद किया मुझे, मैं यहाँ तक आया। सौभाग्य मेरा जो मुझे आपने सम्मान दिया, दुर्भाग्य मेरा मैं सौ समय नहीं आया, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, मैं जब आपके बारे में सुनता हूँ मुझे एकाएक याद आता है, वह तो मेरा परिवार का सदस्य है। झारखंड कहाँ से, तो मेरे दादा के घर से, मेरे पापा के घर से। एक भाई मेरा वहां बैठा है, जिस क्षण मुझे याद करे मैं उस क्षण उसके सेवा में हाजिर हूँ। मैं ऐसे रहने वाला नेपाल के बॉर्डर अररिया जिला के फॉरबिसगंज से हूँ, वर्तमान में प्रतीक्षारत अंचलाधिकारी सचिवालय में हूँ। बिहार के भिन्न भिन्न कड़क जिलों में अपनी मानवतावादी विचारधारा को कायम करते हुए मैंने सम्मान के साथ अपने पद का निर्वहन किया है और अपने समाज के साथ सही न्याय किया है। मुझे गौरव है कि मैं घूंट घूंट के ना मरूं, अपने समाज के लिए सम्मान करते हुए कल रहूं या ना रहूं, मेरा सम्मान मुझे समाज दे। साथियों, आज मैं यहाँ सबसे अधिक खुश हुआ, ऐसा कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा जहाँ मेरी माँ बहनों की संख्या मेरे भाइयों से अधिक हो। लोग कहा करते हैं मैं अपने परिवार के महिलाओं को, माताओं को, बहनों को सम्मान नहीं देता, लेकिन मैंने यह यहाँ पाया है कि मेरा जो छोटा भाई कुछ दिन पहले से साइड में रह रहा है, उसने हमारी महिलाओं को, माताओं, बहनों को सम्मान दिया है। हमारे समाज में नहीं, हमारे वंश में जितने पूर्वज हैं सबों को मैं सुबह शाम याद करता हूं। अगर मैं किसी का फेम हूं तो वो सावित्रीबाई फुले का, और रीनी किसी का हूं तो ज्योति बाबा फुले का, जिन्होंने सावित्री को सावित्री बनाया और विश्व की आधी आबादी के लिए शिक्षा का अधिकार दिलवाया, घूंघट से बाहर सम्मान से जीने का अधिकार सौंपवाया ड्यू टू संविधान। सब कुछ दिलवाया संविधान के माध्यम से, और उन्होंने यातनाएं झेली, लड़ाई झेला, एक्ट बनवाया ब्रिटिश सरकार से। तो मैं कहता हूं नारी समाज से, देश की नारी समाज से, वो चाहे ब्राह्मण की पत्नी हो, बेटी हो, कि उसे भी अगर कलम छूने का किसी ने अधिकार दिलाया तो वो एक ही नाम था, सावित्रीबाई फुले। उन्होंने किसी के लिए नहीं सोचा, उन्होंने कम से कम सोचा तो देखा कि हमारे पुरुष प्रधान समाज पुरुषों के लिए सब कुछ करते हैं और जो मैं आधी आबादी हूं मेरे लिए कोई नहीं करता, तो उन्होंने नारी समाज के लिए लड़ाई किया था, जिसके नाम पे आपके समाज के प्रबुद्ध जनों ने ये स्टेज बनाया है, ये स्थल बनाया है, इसकी गरिमा के, भविष्य की गरिमा को संजोया है। इसी क्रम में मैं कह देना चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस दिन को 365 दिन के बाद जो यह दिन आवे, मैं चाहूंगा कि उस दिन इसका ओपनिंग अवश्य हो आप सबों के सहयोग से और मेरे तरफ से। हमारे बच्चों के संवर्धन शिक्षा के क्षेत्र में 11,000 रुपये का कॉम्पिटेटिव और अपने पूर्वजों के नाम का बुक्स गिफ्ट रहा उस दिन, ठीक है। मेरा कहना है, मेरा मानना है, मैं देखता हूँ और देख से तलता हूँ तो मुझे लगता है सत्य यही है।
आंख से देखता हूँ, ब्रेन से तोलता हूँ, लगता है सत्य यही है, ओठ पे रखता हूँ, नाक गवाही देता है, मैं कहता हूँ यह खाद्य पदार्थ है और मुझे सहर्ष स्वीकार होता है और मेरी शारीरिक संरचना बलिष्ठ होती है और ये कान मुझे बरगलाता रहता है, मेरे ब्रेन को कंफ्यूज करता रहता है, जो झूठ का परम स्नेही व्यक्ति है। तो आंख से देखता हूं, ब्रेन पे तौलता हूं, सत्य को पकड़ता हूं। उसी कदर आप देख ले चारों तरफ, अगर जाती है तो दो, अगर धरती पे जाती है तो दो, ये पुरुष एक महिला, कोई शख्स मुझे निकाल दे तीसरी जाति, कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं थोड़ा ऊंचा, वो थोड़ा नीचा, ये थोड़ा ऊंचा, मैं इसे खींच लाऊं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, जो अपने को ऊंचा समझ ऊंचा पे है उसको ऊंचे पे रहने दो, ध्यान उस पे रखे कि वह तुझे ठोकर ना मारे, और तुम दिल में अरमान अपने रखो कि मेरे नीचे जो है मैं उसे खींच लाऊं अपने साथ। हमेशा ध्यान रखो कि अगर मेरी क्षमता 5 रुपये की है तो मैं उस जरूरतमंद 5 बच्चे को जरूर एक एक चॉकलेट दे दूं जब मुझे मौका मिले। क्या मेरा शादी का सालगिरह हो, क्या मेरे बच्चे का जन्मदिन हो, मैं उस दिन 50 बच्चों में कॉपी कलम नहीं बांट सकता हूँ? क्या मैं 5 वैसे जरूरतमंद को खाना नहीं खिला सकता हूँ अपने घर में, पूरी बना के, सब्जी बना के, मैं वो पैकेट वो बर्तन लेकर क्या उस मलिन बस्ती में जाके अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मना सकता हूँ? तो मैं जन्मदिन मनाऊंगा किसके साथ? तो जो मेरे से कद में ऊंचा हो उसे मैं अपने घर बुलाकर सम्मान के साथ सोफा पर बिठाकर 5 स्टार होटल बुक करके करता हूँ, तो मैं अपने को लगता हूँ सम्मानित। और तुम जिस हाल में हो वह किसकी वजह से बने हो तुम मुझे तो ख्याल करो। जिस बाबा ने तुझे सब कुछ दिया, आज तुम्हारे हाथ में मैक है, गले में टायर है, पैर में जूता है, आंख में चश्मा है, बाजू में घड़ी है, वह तेरा नहीं है, तेरे बाप बाबा भीम ने दिया है। और जब तुझे तेरे बाप बाबा भीम का नाम पता है तो तू पता कर कि वह शख्स कौन था जिसने बाबा भीम को पैदा किया। मीन्स आप बढ़िए कड़ी दर कड़ी तो विश्व के व्यवस्था का प्रणेता ईसा पूर्व 564 तथागत बुद्ध। मीन्स अगर अपने बाप को पहचानना है तो उससे पहचानो कि उसके बाप कौन थे। मीन्स कहने का गरज मेरा है कि वो 3% त्रिशूल और एंटीना लिए दिखता है और हम समानतावादी विचारधारा, संघर्ष वाली विचारधारा लिए नहीं दिखते हैं। गौर करिए कि वो दिखता है, अंगूठा छाप है, त्रिशूल ले लिया, एंटीना कनेक्ट कर दिया ब्रह्मा से, अपने को मेरे ही मुंह से पंडित, देवी के ही गुलाम हूं, तो क्या मेरी बेटी दुर्गा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती नहीं है? क्या मेरी बेटियों का नाम दुर्गा नहीं है, सरस्वती नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, पार्वती नहीं है? तो मैं अपने घर के लक्ष्मी सरस्वती पार्वती की सेवा नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता, जो किसी छत्र से एक गिलास पानी पिलाता है, छोड़ के पापा पापा चाचा चाचा भैया भैया दौड़े रहता है, मैं अपने घर की लक्ष्मी को नहीं पहचानता, सरस्वती को नहीं पहचानता, काली को नहीं पहचानता, और उसके अदृश्य लक्ष्मी सरस्वती काली के पीछे मैं दीवाना हुआ फिरता हूँ। मैं कहता हूँ सबों से जो जहाँ है वहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, करते कुछ है करिए, लेकिन एक बार दिखने का शौक पाल लीजिए और आप अपने पूर्वजों को सम्मान फोटो लगा कर दे दीजिए। से 1000 की मूर्ति नहीं मांगता है, अभी मांगता है, और उसके कहानी को अपने में परोसिए कि सावित्री बाई फूले एक कपड़े पर कीचड़ गोबर लेके जाती थी, एक कपड़े पर कीचड़ गोबर लेकर जाती थी, और पढ़ाने के वक्त, दूसरी नारियों को पढ़ाने के वक्त कीचड़ गोबर लगी साड़ियां बगल में रखती थी, साफ पहन पढ़ाती थी, और फिर कीचड़ गोबर पहन अपने घर को आती थी। आप उसे गौर करिए, उसकी कहानियों को समझिए, तब आपको ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, हम हैं किसके।
आप सब कुछ करिए, अगर आपकी आस्था अविलंब स्थिर न होती है तो आप सब कुछ करिए, सिर्फ एक रुपये का एक्सपेंस न करिए। जितना आपको बेलपत्र फूल तुलसी दल लेना है सब लेके पूजा करिए, खूब करिए, लेकिन उसमें एक रुपया न फंसाइए। रुपये की आवश्यकता उसको नहीं है, वो तो स्वयं का दाता है। आपके एक रुपये ग्यारह रुपये का क्या वैल्यू है, आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगा वो एक रुपये ग्यारह रुपये से। वो थोड़ा सा आग लिए थाली में आपसे मांगता है एक रुपये ग्यारह रुपये पाँच रुपये, आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उस मायने में बैलेंस जो हो जाइए उसका रोजी छूट जाएगा, रोटी के लिए रोजगार की तलाश में निकलेगा और आप ऑटोमेटिक समृद्ध ही नहीं होंगे, शक्तिवान बनेंगे, कर्मठ बनेंगे। आपके बच्चे को एक रुपये का पेंसिल मिलेगा, पर डे पेंसिल मिलेगा, वह खुश होगा कि मुझे नई कलम मिली है, नया पेंसिल मिला है। जिस स्पीड से वह बच्चा पढ़ रहा है उसका डबल स्पीड एक सप्ताह में हो जाएगा। खूब पूजा करिए लेकिन उसमें एक रुपया नहीं डालिए। जिसका वह रोजी है दुकानदार, उस दुकानदारी उसकी बंद हो जाएगी जब आप बेलपत्र फूल तुलसी दल से पूजा शुरू करेंगे। और करिए, गाय मेरी माता है मैं भी कहता हूँ, उसका दूध हिंदू मुस्लिम सब पीता है। गाय मेरी माता है हिंदू मुस्लिम सब पीता है, वह मेरी भी माता है दूध पिलाने वक्त, लेकिन उससे बड़ी माता मेरी धरती माता है जो जीवन भर मुझे दूध रूपी पानी से सींचती है, जीवन को बरकरार रखती है। जब कसाई उस पे तलवार देता है तो उसका 33 करोड़ देवता कहाँ जाता है, जिसके गोबर से मैं घर लीप अपने को शुद्ध समझता हूँ। जो कहता है मुझे ज्ञान देता है, 33 करोड़ देवता इसके रोम रोम में बसा है। जब उस पे कसाई कुछ करता है तो फिर उसका 33 करोड़ देवता कहाँ जाता है। तो अपने सामने जिसको देख रहे हैं उसी को आप देवी देवता समझ सिर्फ सम्मान दे दीजिए। उसको फूल भी न चाहिए, पैसा भी न चाहिए, तुलसी दल भी नहीं चाहिए, गंगा जल भी नहीं चाहिए, गाय दूध भी न चाहिए। जिसको आप देखते हैं कि मेरे से थोड़ा कम कुछ होगा उसे भैया आप कह दीजिए, उसको भैया कहने का चांस ना दीजिए। जिसको लगे कि वो मुझसे कम है, मैंने उसे देख लिया, उसने मेरे आँख से आँख मिला लिया, तो उसको भैया कहने का चांस मत दीजिए। आप अगर थोड़ा ऊपर है तो नीचे वाले को आप भैया कह दीजिए, नीचे वाले को बहना कह दीजिए, बहना क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और फिर देखिए आप कितने मजबूत, के सारे मनुवादी आपके चरण धोने आएंगे। जो चरण धो आप पीते थे और शरीर पर छिटक आप अपने को शुद्ध महसूस करते थे। मैं कम समय में नहीं उतना अधिक कहना चाहता, मैं कहता हूँ टाइटल टाइटल से सुन लिया इसका टाइटल तो मुझे गुदगुदाने लगा, यह मेरा है। चलो डेरेस टोपी छीन लेते हैं, वहां जाके बगल में नंबर लेंगे कि आप तो हमरे हैं, गप करेंगे स्थिर से। तो इस टाइटल के परिचय से निकलिए। मैं अनिल सिंह यादव कुशवाहा मंडल को लिखिए, ए के सिंह डे पी जी बोथ, सारा जाति एक समान। आप जितना है ना मुलायम सिंह यादव लालू प्रसाद यादव सबको अल्फाबेट में बोलिए ए के पी डी बोथ, देख लीजिए आपकी भावना स्वयं मजबूत होगी कि मेरे परिवार के सदस्य कितने संगठित हैं और सारे मेरे हैं। हम तो कहीं गए हैं तो किसी को पर्सनल नंबर नहीं देते, लिख देते हैं मैप पे, बोल देते हैं कि आपको चौक पे ऑटो नहीं मिलेगा। अगर आप हमको बड़े भैया समझते हैं तो आप याद करिएगा कि भैया फलाने चौक पे हूँ, ऑटो नहीं मिल रही है, दिल घबरा रहा है, लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, हट के बीमारी पहले से ही है। जब तक तुम्हारी बात खत्म होगी तुम याद करने अपने बाप दादा को जय भीम नमो बुद्धाय, तुम्हारा ऑटो तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम मुझसे कनेक्ट करना, मैं तुम्हें ऑटो भेज देता हूँ, घबराना नहीं, मुझसे कनेक्ट करना। किसी भी प्रकार की विपत्ति आवे, किसी भी प्रकार, जिस समय आपको एहसास हो कि मैं व्याकुल होने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, तो कहीं मत जाना, मोबाइल लेना, मेरे नंबर को कॉल कर देना,
और उसी समय तुम्हारा 50% सोल्यूशन हो जाएगा जब तुम अपने बाप दादे का नाम ले लोगे। जय भीम नमो बुद्धाय अनिल सर। उसी समय 50% खत्म। जब तक तुम डिजीज बताओगे मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करूंगा तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ याद करना अपने पूर्वजों को, इस पचड़े में मत फंसना। मैं सच कहता हूँ पचड़े को समझना। अखंडवाद शब्द है तो इसकी परिभाषा क्या है? आज बहुतों के घर में एंड्रॉइड मोबाइल है। मैं कहता हूँ गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। हिंदू की परिभाषा सब भाषाओं में अब देख लीजिए गूगल में, गूगल आपका क्या कहता है? चोर, उचक्का, लुच्चा, कमीना, कायर, सब भाषा में कहता है चोर, उचक्का, लुच्चा, कायर। और आप देखिए जब इस जाति बंधन में फंसते हैं तो गिने चुने लोग प्रताड़ित होते हैं। आप हमें एग्जाम्पल के तौर पे निकाल के दीजिए कि कहीं पे कोई बुद्ध प्रताड़ित हुआ है? किसी ने भ्रम से अगर प्रताड़ित किया होगा तो उसका नाना तक माफी मांगा होगा, क्योंकि आपके बुद्ध का सिक्का 134 देश में कायम है। आप छोटा सा देश जापान जो मेरे बाद विध्वंस हुआ था वो आज आविष्कार की जननी विज्ञान की जननी बन गई है। और मैं उससे उधार मांगता हूँ बुद्ध की छवि देके कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री हूँ और शांति का प्रतीक हूँ। मैं उससे भीख मांगने जाता हूँ इस बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके, चितना में छलिया हूँ। वो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अपने क्या बेटी के साथ न्याय किया है? अपनी इतिहास को पढ़ो। और मैं कहता हूँ आपके ब्रेन में वो दम है जिसने आपके वर्षों तक आपके खान का जन्म कुंडली लिखा है, उसका जन्म कुंडली आप बनाओगे। आप पूर्व वर्षों पूर्व बौद्ध धर्म को राजशाही प्रोत्साहन मिला तो इंटरनेशनल बन गया, और अपने घर से ही मिट गया इसी पाखंडियों की वजह से, मनुवादियों की वजह से। एक किसी ने उसका उड़ा सूर्य को निगल गया। इंडिया के मनुवादियों ने देख लिया, ग्रंथ में लिखित कर दिया। अब विश्व के किसी देश से नहीं देखा, गौर करते हैं, विश्व के किसी देश ने नहीं देखा। तो हमारे प्रबुद्ध जनों ने ढेर सारी बातें आप लोगों को बताई है। मैं जितना ही देर सुना मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से कहा गया है। लेकिन मैं कहता हूँ अंतिम अंतिम में कहने की हार्दिक इच्छा हो गई कि जुल्म करने वाले से 1000 गुना दोषी है जुल्म जो सहता है। बात कितना भी बेसलीका हो सलीम, बात करने का संवैधानिक सलीका चाहिए। यह तो वोट आपका वोट नहीं, बहुजन का तोप है। जय भीम नमो बुद्धाय।